महानगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर महानगर के इंद्रावाल विहार, हरिओम नगर चौराहा, अंबेडकर चौक सहित अन्य चौराहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग में खड़े फोर व्हीलर तथा टू व्हीलर वाहनों को क्रेन के माध्यम से यार्ड में भिजवाया गया तथा हिदायत दिया गया कि सड़क के किनारे वाहनों को खड़ा ना करें, नहीं तो आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके संबंध में यातायात पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के माध्यम से जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह अभियान चलाया गया तथा विभिन्न चौराहों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार, विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल अजय पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक रामसेवक गौतम ने कहा, आज ये इंदिरा बाल विहार जो जीएम चौराहा है, सड़क किनारे बहुत ढेर सारे जो है वाहन पार्क कर दिए गए थे और साथ ही साथ हरिओम नगर जो चौराहा है और तमकोही चौराहा पे भी अतिक्रमण किया गया था। तो इस संबंध में यातायात पुलिस और सिविल पुलिस के माध्यम से एक अभियान चलाया गया और ये जीएम चौराहा, हरिओम चौराहा और तमकोही चौराहे को मुक्त कराया गया, जिससे किसी प्रकार की कोई जाम की समस्या उत्पन्न न हो और चौराहे के 50 मीटर आगे और पीछे, दाएं और बाएं पूर्णतया मुक्त रहें और किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न रहे और जिससे कि हमारा ट्रैफिक भी स्मूथली चलता रहे और आम जनता को जो है राहत मिले। सर, महानगर में जाम की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा जाम रही इस समय, क्या कहेंगे? ये जितने भी चौराहे हैं, जैसे आज तीन चौराहों को मुक्त कराया गया है, ऐसे ही जो जहां अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया जाएगा और जिन जिन सड़कों का जो है निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर वन वे या टू वे की व्यवस्था जो है लागू की जा रही है, जिससे कि जाम से निजात मिले और जो निर्माण एजेंसी हैं वो अपना रात्रि में ही निर्माण कार्य करें, जिससे कि दिन में जो है आवागमन बाधित ना हो और ट्रैफिक ठीक से चलता रहे।